आओ आओ राम सिंह, क्या हो? साले बूढ़े, मैं पूछता हूँ आज तुम थाने में क्यों नहीं आए बे? क्यों नहीं आए थाने में कुत्ते? क्या बोला था तुमसे, हरामी की औलाद? आओ चलो आओ। बत्ती सी तोड़ कर ना तुम्हारे हाथ में दे देंगे। क्या बहुत मुस्कुराते हो, क्या समझते क्या हो तुम्हारे? अरे तुम कानून से बड़े हो क्या? शर्मा जी को हो क्या गया है? वो आदमी उनको गाली पे गाली दिए चला जा रहा है और देखो ये हंस रहे हैं। अरे राम सिंह आओ, सुनो बैठो, उनसे बैठो, चाय पीते बैठो। अरे बैठने के लिए नहीं आया हूँ, चाय पीने के लिए बोल रहे हैं। अरे चाहूं तो एक साल के लिए अंदर कर दूंगा और वो हाल करूंगा कि तुम्हारा बाप भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा, समझे? ठीक है बैठो, चाय पीते। नहीं, तुम्हें शायद पता नहीं कि इस धरती पर पुलिस वाला भगवान से भी बड़ा होता है। अरे भाई, जब आप शर्मा जी कुछ नहीं बोलते तो हम क्या कहें? कान खोल कर सुन ले बुड्ढे, अगर कल सुबह 8 बजे तक थाने में हाजिर नहीं हुआ तो समझ लेना सीधा चालान कर दूंगा। राम सिंह पुलिस विभाग में इंस्पेक्टर है, वो रोज मेरे घर आता है और लगातार 1 घंटे तक मुझे गालियां देता है। अरे ये क्या बकवास है भाई? अरे पुलिस में है तो क्या? अरे यार मत, अजीब गुंडा कर दिया यार, आओ चलते हैं। मतलब पुलिस में है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि यार कुछ भी कर लेंगे। क्या बात है भाई? शर्मा जी, वो आदमी आपको गालियां देकर चला गया और आप यहाँ बैठे बैठे मुस्कुरा रहे हैं और तो और उसे चाय के लिए पूछ रहे हैं। अभी अजीब बात है। शर्मा जी, या तो आप उसे पीटिए वरना हम उसको पीट पीट कर अपने पड़ोस होने का कर्तव्य निभा देंगे। नहीं, नहीं 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 नहीं, आप लोग ऐसा कुछ नहीं करेंगे। देखिए राम सिंह बहुत अच्छा आदमी है। अच्छा जी, उसे तो पटक पटक कर। नहीं नहीं, आप लोग परेशान ना हो, जाइए आप लोग अपने घर जाइए। राम सिंह जो कर रहा है ठीक कर रहा है, ठीक कर रहा है। शर्मा जी, ना आप कुछ करते हैं ना हमें कुछ करने देते। अरे चलो यार, बड़ा अजीब आदमी है। चलो भाई, चलो चलो चलो, सोच के आए थे कि मोहल्ले की बात है। पड़ोसी मेरे बारे में सोचते हैं कि या तो मैं बहुत बड़ा कायर हूं या फिर नामर्द, लेकिन वो असली बात नहीं समझते। राम सिंह ने जो अभी अभी किया है वो तो बहुत कम है। एक रात अचानक वो आया और मेरे घर में गांजे की 2-4 कलियां डाल गया। अगले दिन सुबह सुबह मेरे घर की तलाशी लेने आ गया। क्या हो गया राम सिंह? जब बेहूदे बुढ़े साले, बता कहाँ छुपा के रखा है? क्या बनो मत, बताओ कहाँ छुपा के रखा है? क्या चीज राम सिंह? अच्छा, तो तुम्हारे घर की तलाशी लेनी पड़ेगी। हाँ ले लो, ले लो आराम से ले लो। क्या है? गांजा है। साले बुढ़े, लाज नहीं आती, गांजा रखते हो घर में इस उम्र में है? अरे राम सिंह इसमें क्यों? अरे चलो, तुम्हें वो सबक सिखाऊंगा ना कि तुम्हारी नानी याद आ जाएगी। अच्छा 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 अच्छा, समझ संभाल के, संभाल के क्या इस उम्र में गांजा रखते हो अपने घर में? राम सिंह मुझे छोटे भाई की तरह प्यारा है। मुझे इस बात की खुशी होती है कि वो तेजी से योग्य होता जा रहा है, नौकरी में भी वो जल्दी जल्दी तरक्की करता जाएगा। लेकिन आप लोगों को आश्चर्य हो रहा होगा कि वो मुझे गालियां देता है, गांजा रखने के झूठे आरोप में गिरफ्तार करता है और मैं खुशी खुशी सब कुछ बर्दाश्त करता रहता हूं। तो सुनिए, आज से 8-10 दिन पहले की बात है, राम सिंह के बड़े भाई हनुमान सिंह मेरे पास आए। वो बहुत परेशान थे। क्या बात है हनुमान सिंह, परेशान क्यों हुए थे?
क्या बताऊं शर्मा जी, बताते हुए भी लाज आती है। अरे भाई अपनों से लाज कैसी, बता दो। शर्मा जी, ये मेरा छोटा भाई राम सिंह, हाँ, मैं जाने उससे क्या हो गया है। जिस दिन से वो छुट्टी लेकर घर आया है, कैसी कैसी हरकतें कर रहा है। वो इंस्पेक्टर क्या हो गया है, पागल हो गया है, बिल्कुल पागल। सारे घर को उसने सिर पर उठा रखा है। ऐसा क्या कर दिया भाई उसने? जिस दिन वो घर आया, हाँ? उसी दिन शाम को जब मैं घर पहुंचा तो मैंने देखा कि घर का दरवाजा बंद है और घर के भीतर से जोर जोर से आवाजें आ रही हैं। तख्ते पर एक को न लटकाया तो मेरा नाम राम सिंह नहीं। क्या समझते हैं? सबको ठीक करके रख देगी। मैं परेशान हो गया क्योंकि मैंने अंदर झांक कर देखा पर कोई नहीं है। क्या बताऊं, अरे शर्म के मेरा सिर झुक गया। अब तो ये रोज की बात हो गई है। हर रोज वो अपने आप को कमरे के अंदर बंद कर लेता है और फिर रहता मैं सारा थर्ड डिग्री अप्लाई कर देता मैं तुम पर। क्या समझते तुम अपने आप को? सारा जेल के अंदर इतना सड़ाता की जिंदगी भर याद रखते तुम। बलात्कार के केस में मैं अंदर कराता, नहीं तो फांसी के तख्ते पर चढ़ाता। हरामी, अरे उल्लू के बच्चे, कुत्ते की औलाद, कभी कहां से चले आए? मुझे जब न दिया सारे उल्टा फांसी पर लटका दूंगा तुम दोनों को। उसने हमारी माता जी को, पिताजी को, चाचा जी को, दादाजी को, जिन्होंने हमें जन्म दिया, पाला पोसा, योग्य बनाया, उन सभी को ऐसी ऐसी भद्दी भद्दी गालियां दी, मैं आपको बता नहीं सकता। अरे उसने तो हमारे देश के महान नेताओं तक को नहीं छोड़ा। और तुम इस देश के महान नेता नाम अमर कर गए अपना। अरे देश को बर्बाद करके रख दिया है तुम लोगों ने। आज देश में लोग भूखों मर रहे हैं, लोगों के पास रोजगार नहीं है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अरे इस देश की ऐसी कितनी ऐसी करके रख दी है तुम घुसट बुड्ढों ने। पहले वो ऐसा एक घंटा करता था, फिर दो घंटे, और अब तो रोज ही जब भी उसे फुर्सत मिलती है कमरे को भीतर से बंद कर लेता है और शुरू हो जाता है। सच कहता हूं शर्मा जी, मेरी तो समझ में नहीं आता कि मैं इसका क्या करूं। लेकिन ऐसा कब से? जब से छुट्टी पर आया है तब से। अब क्या बताऊं, दिन ब दिन उसकी ऐसी हरकतों को झेलना और भी कठिन होता जा रहा है। अब कल की बात ले लो, अपने छोटे बेटे मुन्ने को पढ़ने के लिए कहकर मैं अपने काम से बाहर चला गया। शाम को जब मैं घर लौटा तो मेरी बेटी ने मुझसे जो कहा वो सुनकर मैं तो हैरान रह गया। पापा, चाचा को क्या हो गया है? आज क्या हुआ? आपने मुन्ने को बोला कि पढ़ाई करने बैठने, पर आप जाने के बाद वो खेलने को चला गया। बदमाश। जब वो खेल के लौटा तब चाचा ने उसका कॉलर पकड़ के बोला, ए मुन्ना, मुझे 10 रुपया देना, नहीं तो बड़े भाई से रिपट कर पिटवाऊंगा। हाँ, हाँ। अरे वो तो मुन्ने के साथ मजाक कर रहा होगा। पहले तो हमने वही समझा पापा कि चाचा मजाक कर रहा है, इसलिए मैंने मुन्ने को 10 रुपया देकर बोला कि चाचा को दे या। पर हे भगवान, चाचा ने पैसे रख लिए। ऐसा क्या उसने? आजकल चाचा बहुत अजीब अजीब हरकतें कर रहे हैं। क्यों क्यों, क्या हुआ? पानी मांगते, थोड़ी सी भी देर होती तो चिल्ला उठते, ए क्या समझ रखा है, जल्दी पानी ला, नहीं तो 7 साल के लिए अंदर करवा दूंगा। मेरी तो नाक में दम है, परेशान हो गया हूं भाई। तुमने उससे पूछा कि वो ऐसा क्यों करता है? अरे पूछा भाई, पूछा तो हंसने लगा, कहता है मुझसे कुछ मत बोलो, आगे चलकर समझोगे, बड़ी ऊंची बात है। मुझे तो लगता है कि उसका दिमाग फिर गया है। मेरा रामू पागल हो गया है, उसका इलाज कराना पड़ेगा बस। राम सिंह को मैं बचपन से जानता हूं, वो एक बहुत ही सुशील, ईमानदार और विनम्र लड़का था। आखिर ऐसा कैसे हो गया? ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी चिंता का कारण बन गया था। एक दिन जब मैं ढाबे पर बैठा चाय पी रहा था, अबे हट ना साला। ए राम सिंह,
कौन बोला बे? किसने पुकारा आप? अरे शर्मा जी आप? आओ राम सिंह आओ, कैसे हो? बद्दुआ है, बैठो बैठो। प्रणाम शर्मा जी। प्रणाम प्रणाम। ये सब मैं क्या सुन रहा हूँ तुम्हारे बारे में राम सिंह? मामला क्या है? लगता है बड़े भैया ने आपसे शिकायत की। नहीं नहीं नहीं, देखो बात शिकायत की नहीं है, वो लोग तुम्हारे लिए वाकई बहुत परेशान हैं। अब शर्मा जी आप तो मुझे बचपन से जानते हैं, इसीलिए तो मैं भी बहुत परेशान हूँ। देखिए मेरे घर के लोग मुझे समझने की कोशिश ही नहीं करते। अब मैं कहता हूं कि मुझे एक महीने तक अकेला छोड़ दे, मुझसे कोई ना बोले। अरे मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है, मैं पागल नहीं हूं, लेकिन कोई मुझे समझने के लिए तैयार ही नहीं है। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन ये सब तुम क्यों करते हो? आप घर चलिए, मैं घर चलकर आपको सब कुछ बताता हूं। मैं नया नया इंस्पेक्टर बहाल हुआ था, मेरे मन में ऊंचे आदर्श और ऊंची सेवा भावना थी। जो कुछ भी मुझे ट्रेनिंग में बताया गया था उसका पालन करते हुए मैं एक आदर्श पुलिस इंस्पेक्टर बनना चाहता था। लेकिन एक दिन एक ऐसी घटना हो गई जिसने मेरे विश्वास की बुनियाद को हिला के रख दिया। पास ही के गांव का एक लड़का थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने आया कि उसके घर में चोरी हो गई है। मैं फौरन तहकीकात करने उसके गांव पहुंचा। नमस्कार। आइए आइए सर। बाबा आप ही के घर में चोरी हुई है? बाबा मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपके घर में चोरी हुई है? हुजूर क्या आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी हाँ आप ही से पूछ रहा हूं। मगर मेरा नाम ऐस साले बुड्ढे है, मैं बाबा नहीं हूं। देखिए मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। और आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। देखिए मैं बैठा हूं आप खड़े हो, ऐसा अच्छा नहीं लगता बाबा, बैठिए ना। मैं बाबा नहीं हूं, मेरा नाम ऐस साले बुड्ढे है। ये आप क्या कह रहे हैं बाबा? देखिए बाबा आप संकोच मत कीजिए, मुझे विस्तार से बताइए चोरी कहां हुई, कब हुई, कौन कौन सा सामान चोरी गया? हमसे गलती हो गई हुजूर, लड़का नादान है। मैं बाहर गया था सरकार, अगर मैं यहाँ होता तो चोरी की रिपोर्ट नहीं होती और आपको ये कष्ट नहीं उठाना पड़ता। अब लड़के की गलती एक बार माफ करते हैं सरकार। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं बाबा? चोरी हुई है तो रिपोर्ट तो दर्ज करानी ही चाहिए, और हम किस लिए हैं बाबा? बताइए चोरी कब हुई और कौन कौन सा माल चोरी गया? लीजिए हुजूर, आपका गला सूख गया होगा। देखिए इस वक्त मैं ड्यूटी पर हूं और आपकी कोई भी चीज नहीं लूंगा, सुपारी का एक टुकड़ा तक नहीं। नाराज मत होइए हुजूर, मलाईदार दूध है, ले लीजिए ले लीजिए। बाबा मेरे उसूल अलग है, और आप ये दूध ले जाइए, प्लीज दूध ले जाइए। और आप खड़े क्यों हैं बाबा? सयाने आदमी है, बैठिए ना। आइए आइए बैठिए, आइए बाबा आइए बैठिए, प्लीज बैठिए। मेरा नाम बाबा नहीं है साले बूढ़े है। आप बार बार ऐसा क्यों कह रहे हैं बाबा? आप बुजुर्ग हैं, मेरे लिए आदर के योग्य हैं, मैं आपको ऐसा ले बूढ़े कैसे कह सकता हूं बाबा?
हजूर, हमसे बहुत भारी भूल हो गई हजूर। अगर मैं होता तो कभी रिपोर्ट नहीं होती सरकार। मुझे मालूम है कि आपको तकलीफ होती है, काम में हर्ज होता है, और सरकार ये भी जानता हूँ कि हमें हर जाना देना पड़ता है। गरीब आदमी हूँ भाई बाप, ये 500 रुपये रख लीजिए आप, और लड़के को माफ़ कर दीजिए। ऐसी भूल फिर कभी नहीं होगी, नहीं होगी सरकार। बाबा, इस काम के लिए हमें सरकार की ओर से वेतन मिलता है, और मैं पैसा लेना गुनाह समझता हूँ, इसे रखिए बाबा। अभी भी आप लोगों को कोई शक है क्या? नहीं। अरे नहीं तो फिर देख क्या रहे हो, इसे पकड़ो और बंदो। थाने चला जा, और दरोगा जी से कहना कि कोई चोर डाकू या ठग पुलिस की वर्दी पहन के आया था। पकड़ लिया। अरे मैं चोर या डाकू नहीं हूँ, मैं पुलिस का इंस्पेक्टर हूँ। अरे तू पुलिस वाला है ही नहीं, कोई चोरी की वर्दी पहन के हमें ठगने आ गया है यहाँ। मुझ पर भरोसा कीजिए बाबा। अरे भरोसा, क्या हमने पुलिस वाले नहीं देखे भाइयों? पुलिस वालों को देखते देखते बूढ़ा हो गया हूँ, देख मेरी दाढ़ी सफेद हो गई है, मुझे धोखा नहीं दे सकता। आपको मुझ पर शक क्यों होता है बाबा? तेरे अंदर एक भी पुलिस वाले का लक्षण नहीं है। मुझे शक तो तभी हो गया था जब तूने मुझे बड़े आदर के साथ बाबा कहा। अरे मुझे तो आज तक किसी पुलिस वाले ने ऐसे बूढ़े के अलावा कुछ कहा ही नहीं। और फिर तूने दूध पीने से मना कर दिया, पुलिस वाला कोई ऐसा करता है? और सबसे बड़ी बात, तूने रुपए नहीं लिए। अरे पुलिस वाला ऐसा तो कभी कर ही नहीं सकता। अरे हम डर की वजह से पुलिस में रिपोर्ट कराने नहीं जाते कि पुलिस वाला आएगा तो हमें उसका हर्जा ना देना पड़ेगा। और तू कहता है कि ईमानदारी से चोरी की जांच कराऊंगा। बेटा स्वांग रचा नहीं पाए, अब सच्चे पुलिस वाले आएंगे, तुझे 10-5 साल जेल में सड़ाएंगे ही। दिन और 2 रात तक मैं तमाशा बनकर वहां बंधा पड़ा रहा। पुलिस वाले गांव में इतना जल्दी थोड़े ही आते हैं। बाबा, 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 इंस्पेक्टर साहब आ गए, आ गए। अरे अरे, क्या बात है रे बुड्ढे साले? देख रे, देख। साले कुत्ते कमीने आरामी के पिल्ले, इन्हें क्यों मार रखा है? देख, इसे कहते हैं असली पुलिस वाला। हुजूर, हम तो इस ठग से पहले ही कह रहे थे, अभी पता चला कि असली पुलिस ऑफिसर कैसे होते हैं। जैसे ये साहब है, और एक तू है कि बड़े आदर से बाबा बाबा कह रहा था। इस दुर्दशा के बाद मुझे आभास हुआ कि मेरी ट्रेनिंग अधूरी है, लोग मुझे ठग समझ लेते हैं।
मैंने एक महीने की छुट्टी ले ली है और ट्रेनिंग पूरी करने के लिए घर लौट आया हूं। राम सिंह तू घबरा मत, राम सिंह तू रोज मेरे ऊपर अभ्यास किया कर, इससे मुझे खुशी होगी कि मैं तेरे किसी काम तो आया। तब से राम सिंह रोज मेरे घर आता है और मुझे सामने बिठाकर एक घंटे तक गालियां देता है और मैं हंसता रहता हूं। ए साले बुड्ढे, तुम थाने में क्यों नहीं आए बे? थाने में क्यों नहीं आए साले हरामी के पिल्ले, हरामी की औलाद, तुमसे खाता ना थाने में आने को, क्यों नहीं आए तुम साले पत्ती से? मुझे खुशी है कि राम सिंह आगे जाकर अपनी नौकरी में बहुत तरक्की करेगा, बहुत नाम कमाएगा। ये सब तुम्हारे जैसे खूसर बुड्ढों की वजह से हुआ, समझ लो।